दोस्तों, टीवी में भले ही एक शो की कहानी या कॉन्सेप्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर जब शो में दर्शकों को कुछ नयापन के साथ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को ना मिले, तब शो की कहानी और कॉन्सेप्ट दर्शकों के लिए कुछ खास मायने नहीं रखते हैं। और इसी वजह से शो में हमेशा एक नेगेटिव कैरेक्टर दमदार तरीके से पर्दे पर उतारा जाता है। जहां वर्तमान में हमारी टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो कि अपने शो में भी नेगेटिव कैरेक्टर से ही शो की टीआरपी बढ़ा रही हैं। और इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 8 अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपने शो में अपने नेगेटिव कैरेक्टर से शो की टीआरपी बढ़ाई है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन अभिनेत्रियों से और जानते हैं कैसे उन्होंने अपने नेगेटिव कैरेक्टर से शो की टीआरपी को बढ़ाया है। नंबर 1, तानिया शर्मा। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल है अभिनेत्री तानिया शर्मा, जो कि वर्तमान में ससुराल सिमर का सीजन 2 में रीमा नारायण के किरदार में नजर आती हैं। बता दें, शो में तानिया शर्मा एक नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आती हैं जो हमेशा अपनी बहन के साथ बुरा ही करने की कोशिश करती हैं और हमेशा घर में साजिशें रचकर एक नेगेटिव माहौल बनाकर रखती हैं। पर इनकी यही सब चीजें शो में ट्विस्ट लेकर आती हैं, दर्शकों को शो देखने पर मजबूर करके रखता है। नंबर 2, हिना खान। टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक रहा है कसौटी जिंदगी की, जिसमें उर्वशी ढोलकिया ने जहां कमोलिका बनकर एक आइकॉनिक कैरेक्टर पेश किया था, तो वहीं इसके दूसरे सीजन में हिना खान ने इस कैरेक्टर की उसी खासियत को बरकरार रखा और कोमोलिका के रूप में प्रेरणा और अनुराग की जिंदगी में तूफान लेकर आती रही, जिनकी जबरदस्त एक्टिंग ने दर्शकों को शो देखने पर मजबूर किया और इस शो की टीआरपी को काफी ज्यादा बढ़ाया भी है। नंबर 3, पूजा बनर्जी। जी टीवी का सबसे पॉपुलर और पुराना शो कुमकुम भाग्य अगर आज भी दर्शकों के बीच इतना चहीता बना हुआ है, तो उसकी वजह इसकी दमदार स्टार कास्ट ही है, जिसमें रिया बनकर तो पूजा बनर्जी हमेशा शो में तड़का लगाती हैं, जो शो को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है और इसीलिए शो की टीआरपी भी इनकी वजह से काफी ज्यादा बढ़ती रहती है। नंबर 4, मायरा मिश्रा। कुमकुम भाग्य शो की तरह ही नए शो भाग्य लक्ष्मी की टीआरपी भी आज दिन ब दिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बता दें, भाग्य लक्ष्मी शो में इसकी टीआरपी को बढ़ाने का क्रेडिट शो में मलिश्का के किरदार में नजर आने वाली मायरा मिश्रा को भी जाता है, जिनका किरदार लक्ष्मी की सौतन का होता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच तकरार और इंटरेस्टिंग ट्रैक देखने को मिलता है, जो हमेशा ही दर्शकों को ये शो देखने पर बांधे रखता है और इसीलिए शो की टीआरपी भी काफी अच्छी आती है। नंबर 5, करिश्मा सावंत। शो की टीआरपी अपने नेगेटिव कैरेक्टर से बढ़ाने वाली अभिनेत्रियों में एक नाम करिश्मा सावंत का भी है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही के किरदार में नजर आ रही हैं, जो कि अभिमन्यु को पाने के लिए अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं और इसी वजह से इस शो में इन्हें भी कुछ न कुछ तिगड़म लगाते हुए देखा जाता है, जिसकी वजह से दर्शक इस शो को देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और वहीं इस शो की टीआरपी को बनाए रखता है। नंबर 6, ईशा मालवीय। उदारिया शो में जैस्मिन के किरदार को निभाकर घरेलू नाम बनने वाली अभिनेत्री हैं ईशा मालवीय, जो कि हमेशा जैस्मिन के कैरेक्टर में काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती हैं और इसी वजह से इनका अंदाज भी दर्शकों को शो देखने पर मजबूर करके रखता है, जो उसकी टीआरपी को भी बढ़ाने वाला एक बड़ा रीजन है। नंबर 7, ऐश्वर्या शर्मा। अब बात हो रही है उन एक्ट्रेसेस की जो कि अपने शो की टीआरपी को नेगेटिव कैरेक्टर से बढ़ाकर रखती हैं, तो उसमें भला ऐश्वर्या शर्मा कैसे पीछे रह सकती हैं, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में पाकी के किरदार में नजर आती हैं, जो कि हमेशा ही सई और विराट को अलग करने की कोशिश करती हैं और कुछ न कुछ षड्यंत्र रचकर शो को इंटरेस्टिंग बनाए रखती हैं और इसी वजह से इस शो की टीआरपी में इनका भी काफी बड़ा हाथ माना जाता है। नंबर 8, मदालसा शर्मा। अपने नेगेटिव कैरेक्टर से शो की टीआरपी बढ़ाने वाली अभिनेत्रियों में आखिरी नाम शुमार है अभिनेत्री मदालसा शर्मा का, जो कि अनुपमा शो से आज घरेलू नाम बनी हुई हैं। शो में काव्या के रूप में जिस तरह से वनराज और अनुपमा के बीच आकर सबकी जिंदगी में उथल पुथल मचाती हैं, वो शो में काफी नयापन और बदलाव लेकर आता है, जो कि शो को बोरिंग होने से बचाता है और इसी वजह से इनका कैरेक्टर भी शो की टीआरपी बढ़ाने में काफी अहम माना जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शो की टीआरपी बढ़ाने में सचमुच इन अभिनेत्रियों का ही हाथ है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।